वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 13.4। तो इसमें आप सीखेंगे हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो देखो, सबसे पहले स्फीयर के बारे में बात करते हैं। तो देखो, स्फीयर क्या होता है? स्फीयर एक 3D शेप होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे फुटबॉल और बैलून, या इसके अलावा जो हम अर्थ की शेप लेते हैं, अर्थ की शेप भी हम कैसे लेते हैं, स्फेरिकल ही कहते हैं, तो उसकी शेप भी हो जाती है स्फीयर। तो देखो, स्फीयर और सर्कल काफ़ी बार जब हम बनाते हैं तो एक जैसा बना देते हैं, पर थोड़ा सा फ़र्क होता है। देखो, अगर मैं इसको खाली छोड़ दूँ तो बिल्कुल ये सर्कल होगा, ठीक है। बट अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया एक देश, ठीक है, तो ये एक 3D शेप बन गई। या अगर आप ऐसे बना देते तो भी एक स्फीयर है, ठीक है। ये दोनों किसके एग्जांपल्स हैं? स्फीयर के, ठीक है। तो जो स्फीयर का फार्मूला है वो भी किससे आया? सर्कल से ही। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr². इसमें हम ना ही कर्व बोलेंगे ना ही टोटल। क्यों? क्योंकि स्फीयर का केवल एक ही फेस होता है, ठीक है। बाकी चीज़ों में कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग थे, क्योंकि उनके एक से ज़्यादा फेस थे। बट स्फीयर क्या होता है? स्फीयर में केवल एक ही फेस होता है, इसलिए इसके एरिया को सरफेस एरिया ही बोलेंगे, ना कर्व बोलेंगे ना टोटल बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही देखो, अब हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर के कितने फेस होते हैं? 2 फेस होते हैं, इसलिए कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों की बात होंगी। तो देखो, हेमिस्फीयर मीन्स हाफ ऑफ स्फीयर। तो इसका देखो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? स्फीयर का हाफ, यानी 2πr². और अगर मैं इसमें ये वाला पार्ट इंक्लूड कर दूँ, यानी ये सर्कुलर पार्ट, तो इसका एरिया इंक्लूड करेंगे तो πr², तो ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी 3πr², ठीक है। तो यही फार्मूलेज थे आज के लिए। तो देखो, अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। देखो, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। तो देखो, आपको रेडियस दे रखी है, आपको स्फीयर का एरिया का फार्मूला पता है क्या होता है? 4πr². तो 4 × 22/7 × 10.5² तो देखो 10.5² को लिख देंगे, 10.5 × 10.5, फिर उसके बाद इसके अपॉन में 10 लगा देंगे दोनों के में, और 7 से देखो 105 को 15 पे कैंसिल कर देंगे, 15 को 10 को 5 से कैंसिल कर देंगे 2 और 3, उसके बाद 10 भी कैंसिल हो जाएगा 5 से 2 पर, और ये 121। तो इस तरीके से ये 2 दोनों 4 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 1386, ये आपका आंसर, ठीक है। बाकी दोनों पार्ट्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। चलो अगले पार्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, सेकंड क्या है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर। आपको सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का जिसका डायमीटर 14 है। तो देखो, तो स्टूडेंट्स, मीटर आपको दे रखा है, डायमीटर है आपके पास 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो, रेडियस क्या हो जाएगी? आर की वैल्यू आ जाएगी डायमीटर का 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो क्या निकाले आप? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो आ जाएगा हमारे पास फार्मूला 4πr², ठीक है। तो यहाँ से देखो, 4 × π की वैल्यू 22/7, और रेडियस आपकी 7, तो 7 का स्क्वायर 7 × 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 4 × 28 = 88, 88 को 7 से करोगे तो 616 cm², ठीक है। दैट्स योर आंसर स्टूडेंट्स। थर्ड है हमारे पास, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, और इसमें आपको पाई की वैल्यू बता रखी है 3.14 लेनी है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को निकालना है, इस हेमिस्फीयर का जिसकी रेडियस 10 है, ठीक है। तो रेडियस आर हो गई आपके पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास 3πr². तो पाई की वैल्यू आपको बताइए कितनी लेनी है आपको? 3.14 × 10² अब देखो, 3 × 3.14
का जब आप डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा 100, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 से 100 कैंसिल, दैट्स। तो अब देखो 3 × 314 आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फोर देखिए, द रेडियस ऑफ स्पेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून इन टू केसेज। देखो यहाँ पर दो केस की बात हो रही है, यहाँ पर दो केस की बात हो रही है। देखो जैसे फर्स्ट केस में आपके पास जो रेडियस था वो है 7, ठीक है, इसको आप आर वन कह सकते हो। सेकेंड केस में इस ये रेडियस बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है 14 हो जाती है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि दोनों केस में सरफेस एरिया का रेशियो क्या आएगा। तो दोनों केस के लिए आप सरफेस एरिया निकाल लोगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रेडियस आपके पास आर वन है, आपके पास 7। सेकंड केस में आर टू हो जाती है आपके पास 14, ठीक है। तो अब देखो सरफेस एरिया इन फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में सरफेस एरिया क्या आएगा 4πr1² यानी 4π7², ठीक है। ऐसे ही सरफेस एरिया अगर मेरे को सेकंड का करना हो, तो अगर मेरे को सेकंड करना हो तो देखो सरफेस एरिया इन सेकंड पार्ट, इन सेकंड केस, तो वो आएगा 4πr2² यानी कि 4π14² ठीक है। अब देखो दोनों केस का एरिया निकालना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सरफेस एरिया इन केस फर्स्ट अपॉन सरफेस एरिया इन केस सेकंड, तो 4π7² फर्स्ट के लिए और 4π14² सेकंड के लिए। 4π से 4π कैंसिल, 7 × 7 14 × 14, 7 से 14 2 पे कैंसिल, 1/4 यानी कि रेशियो अगर बात करें तो 1:4, दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन देखिए, ए हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर आपको दे रखा है 10.5, ठीक है। तो आपको निकालनी कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग ऑन इट, तो इसकी कॉस्ट निकालनी है तो आपको क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें कौन सा एरिया लेंगे, इसमें आप लेंगे कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो देखो डायमीटर आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, रेडियस आर 10.5/2। तो देखो इसका डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10 × 2 ये कैंसिल होगा, 5 × 2 = 21, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास रेडियस 21/4 सेंटीमीटर। अब देखो क्या निकालना है आपको, इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया, तो देखो क्या आएगा 2πr² 2 × में पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वेयर यानी 21/4²
तो देखो 2 × 22/7 21/4 21/4। तो यहाँ से 7 से 3 पर कैंसिल, 2 से ये 2 और ये 11। तो यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा 693/4, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब देखो क्या निकालनी है आपको कॉस्ट। तो देखो कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर दैट इज ₹16। तो 1 के लिए हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर के लिए 16/100। और कितनी है टोटल आपके कर्ड सरफेस एरिया 693/4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो 16/100 693/4। यहाँ से जब आप इसको करेंगे तो यह आ जाएगा 2772/100। तो यह आ जाएगा 27.72 सेंट रुपीज, ठीक है। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्पेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार आप पूछे जाते हैं। तो देखो आपको सरफेस एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या निकालनी है आपको रेडियस। तो आपके पास रेडियस नहीं है तो उसको आप सपोज कर लेंगे लेट रेडियस ऑफ स्पेयर आर। तो एरिया का फार्मूला लगा देंगे 4πr² इज इक्वल टू 154, 4 × π की वैल्यू 22/7 × r² इज इक्वल टू 154। तो r² आ जाएगा 154, 7 ऊपर चला जाएगा, 4 और 22 नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो 22 से 154 7 पर कैंसिल और अपॉन 4, तो r² की वैल्यू आई 49/4 यानी √49/4 10/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, ठीक है। आपको बता रखा है कि जो अर्थ मून का जो डायमीटर, जैसे ये मान लीजिए आपका मून है, ये आपका मून है, ठीक है। तो मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 1/4 है, ठीक है। ये डायमीटर जो है, जैसे मान लो अगर ये एक्स है तो ये आएगा 4x, ठीक है। अगर आप इसको x लेते हो तो ये लेंगे आप x/4, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि जो डायमीटर ऑफ मून है, दैट्स मून और ये आपका अर्थ, तो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है, ठीक है। तो हमने मून का डायमीटर अगर एक्सपोज कर लिया तो अर्थ का डायमीटर आएगा आपके पास 4x। अब आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन के जैसा ही है। तो देखो करते हैं, के लिए कंपेयर करना है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, तो मैंने कहा था कि मून का डायमीटर अगर मैं एक्स ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा 4x, तभी एक्स इसका 1/4 पार्ट होगा, ठीक है। तो अब देखो डायमीटर ऑफ मून है आपके पास, तो रेडियस क्या हो जाएगी मून की, x/2। और इस रेडियस को हम किससे डिनोट करें, इस रेडियस को मैं ले लेता हूँ स्मॉल r से, ठीक है, ये हमारी स्मॉल r है। ऐसे ही अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँ, डायमीटर ऑफ अर्थ है हमारा 4x, ठीक है। अगर डायमीटर 4x है तो रेडियस, इसकी रेडियस को मैं डिनोट कर रहा हूँ कैपिटल R, यानी रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होगी 4x/2 यानी कि 2x। तो 2x रेडियस आ गई हमारी अर्थ की और R रेडियस इज इक्वल टू x/2 आ गई हमारी मून की। तो हमें सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो देखो 4πr² और ये आएगा हमारे पास 4π, इसकी रेडियस थी हमारी कैपिटल R।
तो 4π से 4π कैंसिल, स्मॉल r आपके पास थी x बाई टू, तो x बाई टू का स्क्वायर अपॉन में ये r थी हमारे पास 2x, 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आएगा आपके पास x बाई टू का स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4 और अपॉन में 4, तो ये 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 4, ठीक है। और ये 4x स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर भी कैंसिल, यानी यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 4 इंटू 4 आ जाएगा 16, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ मून एंड सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का रेशियो आएगा 1:16, ठीक है। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। देखो अगर मान लो आपको रेशियो साइड्स रेशियो का कंपैरिजन करना हो, यानी जैसे मान लो अगर आपको कह दिया कि रेडियस, आपने देखा कि तो रेडियस थी वो 4 times ज़्यादा थी, तो आपका सरफेस एरिया का रेशियो क्या आया, 1:16 ऐसे था, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको डायमीटर कह दिया जाए या रेडियस कह दिया जाए कि 1/8 है, मान लो कह दिया जाए कि 1/8 है, तो उस केस में सरफेस एरिया का कितना आएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे 1/64, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि आपके फार्मूले में स्क्वायर होता है रेडियस का, तो अगर आपकी रेडियस जितनी टाइम्स है उतना ही आप उसका स्क्वायर टाइम्स सरफेस एरिया के लिए कर दोगे, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। नेक्स्ट देखो, अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। आपको कौन सा एरिया निकालना है, आउटर। देखो ये आपका जैसे हेमिस्फेरिकल है, ठीक है, तो जैसे ये है, यहाँ पर आपके पास कुछ थिकनेस है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा वो बना देता हूँ, ये थिकनेस है जैसे आपकी, ठीक है। तो जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो देखो इसका इनर कर्व सरफेस एरिया और आउटर कर्व सरफेस एरिया में फ़र्क होगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना, आउटर, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आउटर रेडियस। तो आपको यहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रेडियस प्लस इसकी थिकनेस, ठीक है। तो देखो रेडियस आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर और थिकनेस आपकी 0.25, तो आपकी जो आउटर रेडियस आएगी वो आ जाएगी 5 प्लस 0.25, यानी कि 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हो, 2πr² रेडियस आपके पास है, 5.25 का स्क्वायर कर देंगे, तो देखो 5.25 का डेसिमल हटाएंगे तो 5.25 अपॉन 100 और अपॉन 100, यहाँ पर आप इसको कैंसिल आउट जब करेंगे तो ये आ जाएगा 17325 अपॉन 100, तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा, देखो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज अ स्पेयर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर, देखो इस सिलेंडर के अंदर आपने देखा कि एक स्पेयर आ चुका है जो बिल्कुल इसको, इसके सरफेस को भी टच कर रहा है, बिल्कुल इसके समाये हुआ है, ठीक है। तो देखो आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है और दोनों का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले देखो नोट करो, आपको यहाँ पर किसका सरफेस एरिया निकालना है, स्पेयर का। तो स्पेयर के लिए आपको रेडियस दे रखी है आर, तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं, हमें इसका फार्मूला पता है। तो क्या फार्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, 4πr², ठीक है, क्योंकि हमें रेडियस पता थी आर। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछा है, तो देखो ये जस्ट इनक्लोज है, तो जो इसकी डायमीटर होगा वही इसका डायमीटर होगा, जो रेडियस इसकी होगी वही रेडियस होगी, तो ये भी आर हो गई, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी क्या हो गई आर। अब इसकी हाइट चाहिए क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr h, तो आर और एच दोनों चाहिए होते, तो रेडियस तो आर मिल गई। हाइट देखो, अब हाइट के लिए आप समझो, देखो यहाँ पर ये हाइट, ये इसको बिल्कुल टच कर रही है, तो देखो ये हाइट क्या होगी, देखो ये इसके लिए डायमीटर हो गई स्पेयर के लिए, तो स्पेयर का डायमीटर क्या होगा 2r, तो वो 2r हाइट हो जाएगी इस सिलेंडर की, ठीक है। तो 2πr h की जगह क्या ले लेंगे 2r, तो 2 × 2 = 4, तो 4πr². अब देखो आपका सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर भी 4πr², कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी 4πr², तो दोनों वैल्यू सेम है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे।